नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। हिंदी पट्टी वाले तीन राज्यों में से दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस ने आसानी से सरकार बना ली, लेकिन मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बहुमत पाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी, जिसमें से कांग्रेस के हाथ 114 सीटें ही आई थी। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने दिया और कांग्रेस को एमपी में सरकार बनाने में मदद की। लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठते ही एक्शन मोड में आए कमलनाथ के एक बयान से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एतराज है। जी हां, कमलनाथ के यूपी बिहार वाले बयान से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खासा नाराज दिखाई दिए। एमपी सीएम कमलनाथ के बयान पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने उनके बयान को सरासर गलत करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये गलत है, इससे पहले आप महाराष्ट्र से भी ऐसे ही बयान सुनते आए हैं। अक्सर सुनने में आता है कि उत्तर भारतीय यहाँ क्यों आते हैं, वो यहाँ नौकरी क्यों ले लेते हैं। इसी तरह से दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने कमलनाथ के बयान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि तब क्या होगा जब उत्तर भारतीय ही तय करें कि केंद्र में सरकार किसकी हो। उधर बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कमलनाथ के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और ट्वीट किया कि राहुल गांधी को यूपी और बिहार वालों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उन्हें यूपी और बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सीएम पद पर बैठते ही कमलनाथ ने प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली योजना की घोषणा की और यूपी और बिहार के लोगों पर तंज कसते हुए शर्त रखी थी कि क्योंकि यूपी और बिहार वाले ही नौकरियों पर कब्जा जमा लेते हैं तो निवेशकर्ता कंपनी को प्रोत्साहन तभी दिया जाएगा जब कंपनी मध्य प्रदेश की जनता को 70% रोजगार देगी।